किसी भी पेशेंट के वेलकम के लिए, हॉस्पिटल में वेलकम के लिए हम क्या करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं। तो आज हम कौन सा बेड मेकिंग करेंगे, यहाँ पास क्लोज्ड बेड मेकिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पास कोई भी पेशेंट अभी आया नहीं है बट आने वाला है। उसके पहले हम जो बेड का प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं बेड मेकिंग। ठीक, ये हमारे फंडामेंटल का बहुत इजी प्रोसीजर है और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है। ठीक, बेड मेकिंग का पर्पस क्या क्या होता है कि पेशेंट को बेड शोर होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किसी भी टाइप का बेड शोर उससे ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीन एंड टाइडी बेड मेक करते हैं। दूसरा पर्पस है बेड मेकिंग करने का कि पेशेंट को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। ठीक, देन थर्ड वन है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने, कंफर्ट फील हो और उसे उसके एसोसिएटेड एरिया पे क्लीन एनवायरनमेंट अच्छा लगे, क्लीन एनवायरनमेंट हो और वो क्या रहे, कंफर्ट रह सके, इसलिए हम क्या करते हैं बेड मेकिंग करते हैं। बेड मेकिंग करने के लिए हमें क्या क्या आर्टिकल्स का यूज करना होता है, तो फर्स्ट वन हम एक ट्रे को कंटेन करते हैं। ट्रे में हमारा क्या होता है, एक डस्टर होता है, किडनी ट्रे होता है हमें डस्ट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर हमारा ये कौन सा है, बॉटम शीट है। बॉटम शीट के बाद हम यूज करते हैं मैकिंटोश का। मैकिंटोश के बाद हम ये कौन सी शीट कहलाते हैं, ड्रॉ शीट। देन आफ्टर हम यूज करते हैं किसका, टॉप शीट। एंड हमें किसकी जरूरत होती है, पिलोज की जरूरत होती है। ये हमारा क्या है, आर्टिकल्स है जो कि बेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं। कौन सा बेड मेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पास अभी पेशेंट नहीं है, अब्सेंट है, वो आने वाला है, उसके आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, बेड मेकिंग कर रहे हैं। जैसे मैट्रेस क्या है, मैट्रेस क्या करता है, रहता है कंटामिनेटेड रहता है, डस्ट रहती है, तो उसे डस्ट को क्लीन करने के लिए हम किस साइड से क्लीन करते हैं, हेड साइड से, टो साइड के लिए, क्योंकि हेड साइड हमारा क्या रहता है, लेस कंटामिनेटेड रहता है और जो हमारा लेग साइड है वो हमारा मोर कंटामिनेटेड रहता है। तो हम सबसे पहले डस्टर को लेंगे, होल्ड करेंगे और क्लीन करेंगे टॉप शीट से, किस साइड के लिए, फूड साइड के लिए। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रेस क्लीन हो गया। ठीक, थोड़ा सा इसको रोक देते हैं, रोक देते हैं। करेंगे मिड एंड कॉर्नर को फॉर्म करेंगे। ठीक, तो मिड एंड कॉर्नर हमारे कितने एंगल में फॉर्म होता है, 45 डिग्री एंगल में हम बनाते हैं। दिख रहा है उधर साइड से, जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया होता है उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सीट को इन साइड पे दबा देते हैं। देन आफ्टर हम 45 के एंगल पे क्या करते हैं, मिड एंड कॉर्नर बनाते हैं। ये हमारा मीट एंड कॉर्नर रेडी हो गया, दबाते हैं, इनसाइड करते हैं। देन 45 के एंगल पे क्या करते हैं, कॉर्नर को फॉर्म करते हैं। ये हम बैटरस के चारों साइड पे क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। बेड हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर इसमें टाइडी का नहीं होगा, अगर इसमें क्या होगा, टाइडी नहीं होगा तो श्रिंक रहेंगे, और श्रिंक रहेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा, इरिटेट होगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्रेड करेंगे मैकिंटोश,
हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की जो हमारी फोल्डिंग होती है वो थोड़ा सा मुड़ी हुई होती है, ओपन होती है, ठीक। उसे टाइट कर थोड़ा सा लास्ट पे हम क्या यूज करेंगे, पिलो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने।